हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप सबके घरों में ये ईद ढेर सारी खुशियाँ लाए और खुशियों के साथ आप ये ईद सेलिब्रेट करें। तो एवरीवन वाचिंग माय चैनल, अ वेरी हैप्पी ईद उल अधा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ईद आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लाए और खूब सारी बरकत हो आप सबके घर में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबके साथ ये ईद उल अधा डेकोरेशन भी शेयर कर ली जाए, क्योंकि आप सब ने मेरी रमजान डेकोरेशन, ईद डेकोरेशन ब्लॉग्स बहुत पसंद किए थे वो, और आज तक लोग वो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सारा प्यार दिखा रहे हैं मेरी वीडियोज़ पर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबके लिए ईद उल अधा डेकोरेशन का ब्लॉग भी छोटा सा बनाया जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप मेरी वीडियो एंजॉय कर सकें। और अगर आप में से कोई नया है और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए। और आप सबके कमेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुल और लवली होते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो इसी तरह कमेंट्स भी करते रहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपके साथ किचन की डेकोरेशन शेयर करूँगी। तो चलिए और किचन की डेकोरेशन शेयर करिए। एक्चुअली मैंने किचन में एकदम प्रॉपरली और परमानेंट डेकोरेशन नहीं करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन मेरा थोड़ा छोटा है और उसमें मैं इतने अच्छे से इस बार डेकोरेट नहीं कर पाई। बस वो थोड़ा सा ऐसे टेम्प्रेरी मैंने डेकोरेट किया और आप सबके लिए मैंने सोचा कि नहीं वीडियो बना लूँ। और जो परमानेंट डेकोरेशन है वो मैंने थोड़ा सा अपने ड्राॅइंग रूम में शिफ्ट कर दी, किचन से मैंने उसे ड्राॅइंग रूम में शिफ्ट कर दिया। तो इस बार आप डेकोरेशन टू साइड्स पर देखेंगे, एक किचन में और एक मेरे थोड़ा सा ड्राॅइंग रूम में। तो मेरी वीडियो ऐसे इंजॉय करते रहिए। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी किचन की डेकोरेशन। तो किचन की डेकोरेशन
किचन से ड्राइंग रूम में शिफ्ट की है वो कुछ इस तरह। यहाँ मैंने डेकोरेट कर दिया है, यहाँ पर मैंने एक काबा बनाया है जो किचन में मैंने सबसे पहले डेकोरेट किया था, लेकिन मुझे लगा ये वहाँ गीला हो जाएगा तो उसको भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये मैंने काबा बनाया है, यहाँ पे मेरे पास कैंडल होल्डर्स हैं, ये मैं इससे पहले वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरा भी वीडियो या मेरा अपने ब्लॉग मीशो हॉल नहीं देखा तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये कैंडल होल्डर हैं दो जो मैंने इस तरह डेकोरेट कर दिए हैं, और यहाँ पर ये मेरा ईद उल अधा बैनर मैंने इसको इस तरह डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे शीप्स जो बनाई हैं शीप्स को भी यहीं पे रख दिया मैंने। तो जो मेरी डेकोरेशन है कुछ इस तरह है, और ये मैंने स्टार्स लाइट्स और जो मैंने ये एस वाले शीप्स बनाई थी कॉटन वाली उनको मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और ये जो मेरी डेकोरेशन है वो कुछ इस तरह लग रही है। डेकोरेशन का ब्लॉग या वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप सबको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, गिव माय वीडियो अ बिग थम्स अप, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी। कमेंट करके आप जरूर अपने सजेशंस भी दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको कमेंट्स का जरूर इंतजार करूंगी। और मेरा आगे वीडियो ब्लॉग्स में ऐसे ही बने रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी ही है और मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। और आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही दिल खोल कर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन पर भी हिट कर दिए ताकि मेरी वीडियोस आप इन्जॉय कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, क्या किसी चीज़ में देखूंगी अगर मेरे से हो सका तो मैं आप सबके लिए ईद सीरीज़ ईद उल अधा सीरीज़ चाहती तो हूँ मैं शूट करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ कि ईद उल अधा सीरीज़ उस सीरीज़ में कि क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या बनाया और ये सब ऑल अबाउट माई किचन कुकिंग ये सब मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसमें रेसिपीज़ भी हो, थोड़ा सा ब्लॉग भी हो, क्योंकि आप सब ब्लॉग्स और ब्लॉग या डेली ब्लॉगिंग ये सब पसंद करते हैं, लेकिन मैं इस तरह का कुछ मेरा होता नहीं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ और शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिए, नए हैं तो और भी दिल खोल कर सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सबको एक बार फिर से ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो, और एक दूसरे को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। तो ईद मुबारक, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।